नमस्कार दोस्तों, संभावना मार्केट हेल्प में आपका स्वागत है। देखिए, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की बात करूंगा और काफी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं। मैं काफी बिजी हो गया था और हो सकता है इस मंथ भी मैं काफी बिजी रहूं, तो कोशिश करूंगा कि कम से कम वीकेंड में तो आपको मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। तो उतना तो रेगुलर नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। एक बार ये थोड़ा सा मेरा मंथ यहाँ पर जो बिजनेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं फिर रेगुलरली आपके साथ जुड़ा रहूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतना तो आप मेरा साथ देंगे, काफी अपने यहाँ पर चैनल को सपोर्ट किया है, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब बात करूंगा ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की। देखिए, काफी सारे सब्सक्राइबर इस शेयर के बारे में पूछ भी रहे थे, मैंने कमेंट सेक्शन देखे हैं और इसके इसको मैंने पहले भी अपडेट किया, तो उस टाइम भी मैंने एक बात तो वहां पर कही थी कि अभी जो इसकी जो रियल पोटेंशियल है वो आपको फ्यूचर में पता चलेगी और वहीं से हमें चीजें पता चलने वाली हैं। और करीब 5 से लेकर 6 रुपए अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे और मैक्सिमम 7 रुपीज तक इसके प्राइस काफी अट्रेक्टिव है, वहां पर आप थोड़ा सा इसमें शेयर लेके रख सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। वहां पर आप देखेंगे फ्यूचर में क्या करता है। तो अभी जो रिसेंट अपडेट है, इसमें फाइनेंशियल रिजल्ट आए हैं इसके और इन्होंने डिविडेंड भी दिया है, 5 पैसे का ही दिया है, बहुत कम दिया है लेकिन काफी दिनों बाद दिया है। कम से कम एक शुरुआत तो करिए, तो उसमें इसको आप पॉजिटिव ही लीजिएगा। लेकिन फिर इसमें ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर लोअर सर्किट लग गया, तो यही सब मैं बात यहाँ पर आपको करूंगा कि यहाँ पर जितनी भी बातें हैं वो आपको मैं एक तरह से प्रॉस्पेक्ट देना चाह रहा हूँ। और मैं भी आपको पहले यहाँ डिस्क्लेमर दे दूँ कि थोड़ा सा अमाउंट में मैंने भी इस शेयर को ले रखा है और छोड़ रखा है उसको, एकदम जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बात करी थी कि फ्यूचर में 2-3 क्वार्टर बाद देखा जाएगा, तब डिसाइड करूंगा कि एक्चुअल में इस कंपनी का क्या किस टाइप का प्रोसेस है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर जो लोअर सर्किट है उसका रीजन बता देता हूँ। देखिए, अब जो स्पष्ट तरीका वो ये है कि इसमें पहले से ऑपरेटर एक्टिव थे और ऑपरेटर जब एक्टिव होते हैं तो उनको एक बेसिस चाहिए होता है, कोई न्यूज चाहिए होती है, समथिंग कुछ पॉजिटिव चीज चाहिए होती है जिसके बेसिस पे वो आपके शेयर को पंपअप करते हैं। एक बार जब शेयर पंप अप हो चुका था तो उस पंप अप को अगर कोई सपोर्ट करने के लिए कुछ बढ़िया न्यूज आ जाए, जैसे कोई फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे आ जाए और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए, तो वो शेयर को और ऊपर ले जाते हैं, नहीं तो फिर उसको छोड़ देते हैं। फिर एट द एंड यही होता है कि शेयर ऑटोमेटिक अपने जो एक्चुअल वैल्यू पे है वहां पर ट्रांजेक्ट करने लग जाता है। तो ये तो ऑपरेटर का प्रोसेस होता है। तो ठीक है, इस कंपनी में अभी तक मान लेते हैं ऑपरेटर थे, इन्होंने उसको 12 रुपए तक ले गया, बहुत नीचे जाएगा तो डजेंट मैटर, हमको उससे मैटर नहीं करता है क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर भी हैं वो काफी सोच रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं भी आपको बताऊं, मेरा भी प्रोस्पेक्ट इस कंपनी को लेकर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, मैक्सिमम पेनी स्टॉक के लिए मैं यहाँ बात नहीं करता हूँ, लेकिन जिस टाइप का बिजनेस है, जिस टाइप का अपॉर्चुनिटी इस शेयर के काम में है, तो वहां पर थोड़ा सा एक चांस लेना बनता है कि आप इसमें थोड़ा सा वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। लेकिन वही बात है कि थोड़ा ही पोर्शन इसमें करिए सेटिस्फैक्टरी कि इसको आप रख के भूल सकें, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें अपडेट होने की बातें हैं। तो ये बात तो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कही थी कि इसमें बहुत ज्यादा आप शेयर मत लीजिए, लेकिन थोड़ा सा जरूर शेयर लेके छोड़ सकते हैं। अगर जो वीडियो फॉलो करते हैं तो उनको ये बात पता होगी। तो आइए सबसे पहले इसके फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल रिजल्ट की बात है तो कहानी बहुत सीधी सीधी है। अगर आप यहाँ पर एक एक्सेप्शनल आइटम को देखेगा वो देखेगा आपको 2548 लाख। ये चीज मैं आपको पहले बता दूं, ये जितना भी डेटा दे रखा है आपको करोड़ में नहीं दे रखा है, ये आपको लाख में दे रखा है। तो मैनेजमेंट की तरफ से मुझे चीज थोड़ी गलत लगती है, आपका इतना बड़ा अमाउंट है आप इसको करोड़ में दिखा सकते थे, समझने में आसानी होती, लेकिन इन्होंने इसको लैक्स में दे रखा है। और उसमें इनका जो एक ही एक्सेप्शनल आइटम जो पूरी कहानी बिगाड़ रहा है वो है 2548। मैं सिंगल यहाँ पर स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ ब्राइटकॉम की, मैं पूरी इनकी कंसोलिडेटेड या फैमिली ग्रुप की कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ। उसकी बात अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपके क्वार्टर में तो काफी सही प्रॉफिट यहाँ पर आया है, लेकिन अगर आप ईयर की बात कर देंगे और इस एक्सेप्शनल आइटम को यूज कर लेंगे तो आपका जितना भी प्रॉफिट है यहाँ पर वो निगेटिव नेट आपका लॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यही इस कंपनी या कहता है कि इस शेयर का इशू है। एक तो चीज है कि यहाँ पर इन्होंने कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया है कि एक्सेप्शनल आइटम क्या है, कम से कम अगर आप कोई अपना फाइनेंशियल रिजल्ट दे रहे हैं तो वहां पर एक्चुअल में यहाँ पर मेंशन करते हैं, ये तो एक इनका यहाँ पर। और एक और बात, अगर आपको लगता है कि या कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन है कि एक्सेप्शनल आइटम क्या है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हो सकता है मेरे से कहीं छूट गई हो और आपको ज्यादा जानकारी हो। और जो मेन इशू है वो मैं आपको बता दूं, जो निगेटिव न्यूज रियलिटी में है और जिसकी वजह से आप यहाँ पर इस टाइप का मूवमेंट देख रहे हैं। सबसे पहली बात, कंपनी जो है डिफॉल्ट हो चुकी है एक्सिस बैंक के रीपेमेंट में और वो एनपीए जा चुका है। सबसे बड़ा इशू, कोई भी कंपनी अगर डिफॉल्टर होती है तो आप उस कंपनी के शेयर को बहुत अच्छा नहीं मान सकते। सेकंड चीज है कि यहाँ पर टीडीएस रेगुलरली पे नहीं करती है। देखिए, हम लोग जो है नॉर्मल जो इंडिविजुअल होते हैं साल के बाद अपना पेमेंट करते हैं, जबकि ये जो आपके कंपनीज हैं वो आपके क्वार्टरली वहां पर पेमेंट करती हैं। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने 4 क्वार्टर में पे नहीं किया हो, किसी एक क्वार्टर में वहां पर मिस कर गए होंगे, तो वही बात यहाँ पर करी गई है। और इसके बाद जो एक बात है कि वाइब्रेंट मीडिया इक्विन ने एक एक्विजिशन किया था अमेरिका में लाइकोस इंक का, और उसपे कुछ केस का इशू चल गया। अगर ये लोग उसको हारते हैं तो इनको लाइकोस इंक के 56% इक्विटी देने पड़ेंगे दूसरी कंपनी को। तो एक ये बड़ा इशू है, इसको कह सकते हैं आप कंटीजेंटी रिस्क है जो फ्यूचर में हो सकता है।
और सबसे बड़ी बात यहां पर इन्होंने करीब 868 करोड़ राइट ऑफ कर दिया है एसेट। इन्होंने लोन को राइट ऑफ नहीं किया, इन्होंने एसेट को ही राइट ऑफ कर दिया अपनी सब्सिडियरी के लिए। तो ये सब चीजें इशू हैं। देखिए मेन इशू ये सब बातें निकल के क्या आती हैं कि मैनेजमेंट उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, चीजें उतनी अच्छी तरह से नहीं बता रहा है। और अगर आप इस ऑडिटर की भी, यहाँ पर जो ऑडिटर जिन्होंने ऑडिट किया उनकी जो लैंग्वेज आप देखेंगे तो आपको वहां पर क्लियर एक तरह से डिस्क्लेमर देते हुए दिखेगा कि मैनेजमेंट की सारी जिम्मेदारी है, उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम देख रहे हैं यहाँ पर, और उनको भी कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो ये चीज जो है आपकी, यही चीज आपकी एक तरह से मैनेजमेंट पे क्वेश्चन थोड़ा सा उठा रही है, जिसका इशू आपको इस शेयर में देखने को मिल रहा है। और मैंने भी काफी सारे फाइनेंशियल रिजल्ट देखे हैं, काफी सारी कंपनीज के, बड़े के भी देखे हैं छोटे के, थोड़ा सा इशू वाकई में यहाँ पर है। इनको थोड़ा और डिटेल में होना चाहिए था और ट्रांसपेरेंसी और दिखानी चाहिए थी। तो बाकी जगह आपको कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज शेयर कीजिएगा, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। अभी तो काफी सारे जो टूल्स मैं यूज करता हूँ तो उनमें इसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं है, एक बार अपडेट हो जाए तो उनके भी एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम इस कंपनी के बारे में। देखिए अभी भी मैं ये बात बोलूंगा कि अभी भी ये कंपनी 6 से लेकर 7 रुपए के प्राइस पे इन करंट सिचुएशन में ठीक है, अच्छी है, लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट होना पड़ेगा तो यहाँ पर इस कंपनी के मैनेजमेंट को और थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, चीजें और क्लियरली कम से कम पब्लिक या इन्वेस्टर फ्रेंडली तो होनी पड़ेगी। तो वो चीज आगे आने वाले आपको क्वार्टर्स में देखेंगे। और मैं तो इसको अभी के लिए वही बोलूंगा कि जो इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है कम से कम मैं उसको 2 से 3 क्वार्टर देखूंगा, और बहुत ज्यादा अमाउंट मैंने इस कंपनी के शेयर में नहीं लगा रखा है, तो अगर वो मेरे लिए एनपीए हो जाता है तो इट डजेंट मैटर, मैं दूसरे कभी शेयर से प्रॉफिट कमा लूंगा। लेकिन मुझे जो इसका बिजनेस मॉडल है अभी भी काफी सही लग रहा है। मेन बात है कि कागज पे जितनी बातें हैं वो काफी कह सकते हैं हरी भरी हैं, और रियलिटी है वो हम लोग उतना नहीं जान सकते। और जितनी बातें इनके ऑडिटर ने वहां पर करी हैं और जिस टाइप के क्वार्टरली रिजल्ट है, थोड़ा सा उनमें कह सकते हैं अपोजिटनेस है, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट कुछ और कहानी बोल रहे हैं और ऑडिटर जो बात कर रहा है वो कुछ और बता रहा है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि और ये मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर रहा हूँ और हो सकता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, क्योंकि मैं बाकी भी कंपनीज की अगर फाइनेंशियल रिजल्ट देखता हूँ तो उसमें वहां पर थोड़ा सा अलग रहता है और एक सिंक में रहते हैं, तो चीजें उतनी अच्छी नहीं। तो मैंने आपको यहाँ पर इसलिए क्लियर बात कर दी, हो सकता है आप मेरे से डिसएग्री करते हो, चाहे तो एग्री करते हो, लेकिन बात वही है, शेयर मार्केट में जब तक बात या इन्फॉर्मेशन पूरी ना हो तो किसी भी चीज को नेगेटिव या पॉजिटिव लेके नहीं चलना चाहिए। ये कंपनी अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए कह सकते हैं कि कैंडिडेट है, थोड़ा सा पैसा आप इसमें लगाकर छोड़ सकते हैं अभी। बाकी इस फाइनेंशियल रिजल्ट के बाद ऑपरेटर भी इस शेयर से हट गए हैं, तो देखिए किस प्राइसेस पे इसका एक्चुअल प्राइस सेटल होता है जाके। मेरे हिसाब से ये 8 रुपए या के बाद से यहाँ पर इसके प्राइसेस में सेटलमेंट देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो जितनी बात थी मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रख दिया। टोटल प्रोस्पेक्ट यहाँ पर मेरा है, मेरी खुद की राय है, और आपकी राय इससे बिल्कुल अलग हो सकती है, तो आपको बिल्कुल उसी तरह से डिसीजन लेना चाहिए। और कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो वो आप बताइएगा, शेयर करिएगा, हमारे सब फैमिली हैं। बाकी इसमें कोई अगर आपको बुरा बुरी बात लगे तो डिसलाइक करने से बेटर है कि आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, और प्लीज लॉजिकली बात कीजिएगा। बहुत लोग मेरे को बहुत ज्यादा हाई फाई बातें करते हैं तो वो मेरे पास समझ में आ नहीं आती। आपने खुद ही देखा होगा ब्राइट कॉम ग्रुप में जब शेयर हाई फाई चल रहा था, तो अगर आप कमेंट सेक्शन देखेंगे, मैंने जहाँ पर ब्राइट कॉम ग्रुप का एनालिसिस किया है तो वहां पर मैंने जब प्राइसेस के इसके बताए थे तो लोगों के कमेंट आए कि ये आप इस पे घबराइए नहीं, ये 30 रुपए जाएगा, 40 रुपए जाएगा, 50 रुपए जाएगा। और वही लोग अगर आप इस टाइम की बात करेंगे तो वही लोग इसके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव बात करेंगे। तो एक तरह से एक बैलेंस अप्रोच आपको लेनी चाहिए इमोशंस का, या इमोशंस का आपका शेयर मार्केट में कोई मतलब नहीं होता। खाली अगर आप इमोशनल हैं तो सामने वाला आपका फायदा ही उठाएगा। आपका एक लेवल होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं मानता हूँ इस कंपनी का शेयर प्राइस 6-7 रुपए के आसपास सही लग रहा है, ठीक है, तो मैं उसी लेवल को लेके चलूंगा। और अगर मेरे को एक बार 6-7 रुपए के लेवल से डबल मुनाफा हो जाए, यानी मतलब इसका शेयर का प्राइस आपका 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए चला जाए, तो वहां पर मैं हाफ प्रॉफिट बुकिंग जरूर करूंगा। उसके बाद जो बाकी शेयर है उनको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ूंगा। इस टाइप की स्ट्रेटेजी कुछ आपको लेनी चाहिए, और इसकी बात नहीं कम से कम हर पैनी स्टॉक में तो ये काम करना ही चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि पैनी स्टॉक में वोटेलिटी बहुत ज्यादा होती है, चीजें बड़ी तेजी से बदलती है। मतलब एक बार में शेयर आपका हीरो हो जाता है, फिर दूसरे ही पल आपका जीरो हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक सजेशन पूरा दूंगा कि आपके डीमैट अकाउंट में भले ही वहां पर कितना भी प्रॉफिट दिख रहा हो, 200%, 300%, जब तक आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होता है,
तब तक आप कम से कम खुश मत होइए, कोई इमोशन वहां ना दिखाइए, प्लान करके चलिए, कम प्रॉफिट खाइए लेकिन सॉलिड प्रॉफिट खाइए, और उसको किसी और कंपनी में दोबारा री इन्वेस्ट कीजिए। यही प्रोसेस होता है। एक हमने कहानी पहले सुनी होगी कि एक अंडे देने वाली मुर्गी थी और उसको उसके मालिक ने लालच में आके एक ही बार में खत्म कर दिया। तो उसी तरह शेयर मार्केट है, अगर आप एक ही बार में लालच में सोचेंगे कि मैं अचानक से चैंपियन बन जाऊं, तो वो मुर्गी कहीं ना कहीं आप खत्म कर रहे हैं। उससे बेटर यह है कि आप एक एक अंडा लें, दोबारा री इन्वेस्टमेंट कीजिए, इस तरह से काम। तो ज्ञान तो थोड़ा ज्यादा हो गया, तो उसके लिए मुझे क्षमा करीजिएगा, आपका समय काफी यहाँ पर चला गया। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग चैनल से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूं। थोड़ा तो इस महीने मैं बिजी रहूंगा, तो हो सकता है उतना आपको रिप्लाई ना कर पाऊं, फिर मैं यहाँ पर इसमें कंटिन्यूअसली आपके इस चैनल में जुड़ा रहूंगा और बाकी भी बातें हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे। थोड़ा सा आप पेशेंस दिखाइए इस चैनल के साथ, ये चैनल भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न जरूर देगा। थैंक यू वेरी मच।